कुरुक्षेत्र में अब आम जन किसी भी प्रकार की दुर्घटना में किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता कर सकेंगे। इस जिले में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रशासन ने हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप तैयार की है। इस मोबाइल ऐप पर प्रथम चरण में 12 तरह की घटना दुर्घटना में सहायता की जा सकेगी। अहम पहलू ये है कि आगामी एक सप्ताह में ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। इस मोबाइल ऐप को NIC अधिकारी विनोद सिंगला और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। खास बात यह है कि उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने 2 माह पहले NIC अधिकारियों के साथ चर्चा करके समाज सेवा करने के उद्देश्य से मोबाइल ऐप बनाने के निर्देश दिए थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने आज लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप को विधिवत रूप से लॉन्च किया। इससे पहले NIC अधिकारी विनोद सिंगला ने हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप के बारे में उपायुक्त के साथ साथ तमाम अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार इस ऐप के जरिए किसी अनजान व्यक्ति, घायल जानवर और पक्षी की सहायता की जा सकती है। उपायुक्त ने बातचीत करते हुए कहा कि NIC अधिकारी विनोद सिंगला व उनकी टीम ने लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को तैयार करके एक सराहनीय कार्य किया है। इस मोबाइल ऐप से कोई भी व्यक्ति सहजता से किसी भी घायल व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम होगा। इस मोबाइल ऐप को नवीनतम तकनीकों को जहन में रखकर तैयार किया गया है और इस मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड और iOS मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि समाज में किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके सही मायने में समाज सेवा की जा सकती है और समाज सेवा करना सबका नैतिक कर्तव्य है और इस मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने में सक्षम होगा। इस ऐप को शुरुआती दौर में NGO के साथ शेयर किया जाएगा। इसके बाद NGO अपने सदस्यों के साथ करेंगे और NGO के सदस्य आमजन के साथ मोबाइल ऐप को शेयर करेंगे। इसके लिए NIC कार्यालय में हर सप्ताह NGO के साथ एक बैठक का आयोजन करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस मोबाइल ऐप को पहुंचाया जा सके ताकि हर व्यक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम हो सके। इतना ही नहीं, आगामी एक सप्ताह में ये मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 माह में इसे विकसित करने में NIC अधिकारी विनोद सिंगला व उनकी टीम के सदस्य ADIO भारती, राजीव, आशीष, अथर अली, हेमा, अरुण और मोहित ने उल्लेखनीय कार्य किया है। वहीं NIC अधिकारी विनोद सिंगला ने कहा कि हेल्प द नीडी मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद कुरुक्षेत्र देश की उन NIC में शामिल हो जाएगा जो चैलेंज ऑफ मोबाइल ऐप के जरिए एंट्री भेजेंगे। इस मोबाइल ऐप में मानव, जानवरों और पक्षियों को 12 तरह की सहायता पहुंचाई जा सकेगी, जिसमें जानवरों व पक्षियों के घायल होने, मृत्यु होने, बच्चों के गुम होने, बाल मजदूरी व बच्चों द्वारा भीख मांगने की सूचना देने, मानव के घायल होने या फिर किसी तरह की अन्य सहायता दी जा सकती है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति फोटो खींचकर मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा और यह फोटो संबंधित NGO के पास घायल व्यक्ति या जानवर की लोकेशन सहित पहुंच जाएगी और इस लोकेशन के जरिए NGO और समाज सेवी संबंधित व्यक्ति को पहुंचा सकेगा। इसका कंट्रोल NIC द्वारा किया जाएगा। डेवलप करिए, इसके अंदर सिंपली वो आदमी जो भी होगा उसकी फोटो लेगा, उसकी लोकेशन आ जाएगी और वो कंसर्न NGO तक वो अपने आप उस ऐप के माध्यम से जाएगी और NGO उसके ऊपर जो एक्शन लेना होगा वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेके और उसको टाइमली हेल्प देने की कोशिश करेगा। आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है, हेल्प द नीडी, जो हमारे NIC DIO साहब की टीम ने डेवलप किया है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी राइज होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा व्यक्ति शेल्टर होम वगैरह की जरूरत हो, वो टाइमली उसको अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो हेल्प द नीडी ऐसी इसमें कोई भी जनमानस फोटो खींच के अपलोड करके इसको प्रोसेस में ला सकता है ताकि टाइमली उसको सहायता मिले। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस ऐप से। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।